गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एलसीडी प्रोजेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। पहले के वीडियो में हमने ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी की। आज हम एलसीडी प्रोजेक्टर एलसीडी लिक्विड करते हैं। तो ये इसके ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एल
मॉडर्न वर्जन, मॉडर्न वर्जन या आधुनिक सम हम इसको रूप कह सकते हैं। तो ओएचपी का आधुनिकतम तकनीकी का यूज करते हुए हमने ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है यूनिट उसका यूज किया, तो वो क्या बन गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर का लेटेस्ट वर्जन बन गया। ये मॉडर्न वर्जन के साथ साथ एलसीडी क्या करता है, इमेजेस को डिस्प्ले करने हेतु यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन यूजेस हैं हमारे एलसीडी का। ये जो डायकोरिक फिल्टर
पॉलीसिलिकॉन। तो जब वो लाइट फैलती है तो उसे एक पॉलीसिलिकॉन पैनल से गुजरना पड़ता है, और जहां से ये गुजरती है इस पैनल में, तो इस पैनल में क्या होता है, तीन रंग उसमें है, रेड, कभी भी आपने देखे हो तो ये क्या करते हैं, हमारे कलर्स
इमेजेस इनको प्रोजेक्टर के रूप में हमें दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर जो है कार्य करता है। तो एलसीडी प्रोजेक्टर बेसिकली अगर समराइज करूँ मैं आज के लेक्चर को, तो एलसीडी प्रोजेक्टर ओएचपी का ही एक मॉडर्न वर्जन है। और ये क्या करता है, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है एक तरह से ओएचपी से। और ये जितने भी हमारे बेसिक कलर्स से दुनिया लिखे हुए हैं, इन बेसिक कलर्स के माध्यम से पिक्सल फॉर्म में हमें इमेजेस वीडियो को प्रदर्शित करता है, प्रोजेक्ट करता है, बड़े फॉर्म में दिखाई देता है। आज के जो टेलीविजन आ रहे हैं वो एलसीडी ही हैं, जो भी इलेक्ट्रिक को भी कम कंज्यूम करते हैं, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो आज के वीडियो में हम एलसीडी के बारे में इतनी ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बेनिफिट्स क्या है, ऐसे डेलिमिटेशन क्या है, कंज्यूम सर एजुकेशन में किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो नाउ आज का जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये सारा आपको दो क्वेश्चन एक तरह से आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट भी रहता है कि जब भी आप कॉलेज आए तो सब पाँच मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पे मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है, लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करना है, कम से कम 2 मिनट की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। ऐसे जो सिम्टम्स जो आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड लगते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर से सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जल्द कोरोना वायरस के एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बनाकर के लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल।